यूरोप का एक इंतहाई खूबसूरत जदीद और कदीम खसूसियात रखने वाला मुल्क। इस मुल्क में कई ऐसे अनोखे और दिलचस्प कवानीन और त्यौहार हैं जो दूसरे किसी भी मुल्क में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस मुल्क के जादूगर डिजिटल बिजलियां गिराते हैं। यहाँ की इंटरनेट स्पीड भी सबसे ज्यादा है। इस मुल्क में आपको दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का चर्च भी देखने को मिलेगा। इस मुल्क में दुनिया की सबसे भारी बिल्डिंग भी मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि दो मुल्कों का झंडा एक जैसा भी हो सकता है? यहाँ के रोड दुनिया के बेहतरीन माने जाते हैं। इस मुल्क की लड़कियाँ दुनिया की सबसे खूबसूरत दिखने वाली लड़कियाँ हैं। क्या आप जानते हैं कि रोमानिया के लोग अपने मुर्दों की कब्रों को खूब अच्छी तरह रंग बिरंगे डिजाइन से सजाते हैं? इसके अलावा रोमानिया में एक पुरइसरार जंगल भी पाया जाता है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, और जो भी इस जंगल में एक बार गया वो वापस कभी भी लौट कर नहीं आया। आज की वीडियो में हम आपको सैर करवाने वाले हैं यूरोप के एक शानदार मुल्क रोमानिया की। वीडियो आपको कैसी लगी हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वस्ती और जुनूब मशरकी यूरोप का ये खूबसूरत सा मुल्क अपने पहाड़ों, सब्ज़ज़ारों, जदीद और कदीम मोहल्लात और दिल फरेब आबशारों का मुल्क है। इस मुल्क की सरहदें इन ममालिक से लगती हैं। रोमानिया के मगरिब में सर्बिया और हंगरी, शुमाल मशरिक में यूक्रेन और माल्डवा और जुनूब में बल्गारिया वाके है, जबकि एक तरफ ब्लैक सी भी मौजूद है। बुचारेस्ट इसका दारुल हुकूमत है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और यूरोपीय यूनियन का 10वां बड़ा शहर है। इस मुल्क की आबादी 2021 के अदाद शुमार के मुताबिक 19.12 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। रोमानिया के 56% लोग शहरों में हैं, जबकि 44% लोग गांव में आबाद हैं। इस मुल्क का कुल रकबा 2,38,391 मुरबा किलोमीटर है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 84वां बड़ा मुल्क है। रोमानिया ने दौलत उस्मानिया से 1877 में आज़ादी हासिल की। रोमानिया जनवरी 2007 में यूरोपीय इतिहाद का रुकन बना। दिसंबर 1955 को अक्वामे मुत्तहिदा, जबकि मार्च 2004 को नेटो और अक्टूबर 1993 को यूरोपीय काउंसिल का रुकन मुल्क बन गया। ये लोग अपने रस्म रवाज और त्योहारों से खूब प्यार करते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर 85% लोग रोमानियन जुबान ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको ना तो इंग्लिश बोलने वाले मिलेंगे और ना ही कोई और जुबान। क्या आपको मालूम है कि दो मुल्कों का झंडा एक जैसा भी हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, रिपब्लिक ऑफ चाड और रोमानिया के परचम सेम ही हैं, यानी सुर्ख, नीले और पीले रंग के। रोमानिया को ये एजाज भी हासिल है कि दुनिया की सबसे भारी बिल्डिंग, जो मुल्की पार्लियामेंट की इमारत है, जो 7 साल के तवील अरसे में तैयार हुई, ये 240 मीटर लंबी, 270 मीटर चौड़ी और 86 मीटर ऊंची है। इस इमारत की 12 मंजिलें हैं और इसकी तामीर में $3 बिलियन की खतीर रकम खर्च हुई। आपको ये जानकर जरूर हैरानगी होगी कि इस इमारत में 1,00,000 लोग काम करते हैं। इसमें 1100 कमरे हैं। बुचारेस्ट में एक लाइब्रेरी भी है। ये खूबसूरत लाइब्रेरी 2015 में खोली गई थी। यहाँ पर जो भी बुक लवर जाता है वो खाली हाथ लौट कर नहीं आता। यहाँ पर आपको दुनिया की हर फेमस बुक मिल जाएगी। अगर आप किताबों के शौकीन हैं तो आपको इस जगह पर जरूर जाना चाहिए। क्या आपको मालूम है कि रोमानिया में जादू टोना और भूत प्रेत की तारीख बहुत ही कदीम है? इंटरनेट ने रोमानिया के जादूगरों को बहुत सहूलत फराहम की है कि वो घर बैठे अपने जादू का असर दुनिया भर में फैला सके। यहाँ पर तकरीबन 4,000 खवातीन सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के दीगर मुल्कों में भी अपने जादू कर रही है। इस मुल्क के शहरी बहुत ही मॉडर्न और हाई स्टैंडर्ड लाइफ बसर करते हैं। यहाँ पर लड़कियाँ खूबसूरती में अपनी मिसाल आप ही हैं। यहाँ पर लड़कियों की तादाद लड़कों के मुकाबले पर ज्यादा है। दुनिया की खूबसूरत लड़कियों के हवाले से रोमानिया टॉप 5 नंबर पर आता है। यहाँ की लड़कियाँ इतनी खूबसूरत और दिल फरेब होती हैं कि यहाँ की लड़कियों को देखकर किसी को भी मोहब्बत हो जाएगी। रोमानिया के लोग नौकरी करने से अपना कारोबार करना ज्यादा पसंद करते हैं। इस मुल्क में 97% लोग अपने घरों के मालिक होते हैं। इस मुल्क में किराए के मकान का कोई तसव्वुर नहीं है। सिर्फ 3% लोग ही हैं जो किराए के मकान में रहते हैं।
और ये वो लोग हैं जो बाहर के ममालिक से आए हुए होते हैं। रोमानिया के लोग अपने त्योहारों को खूब शौक से मनाते हैं, जैसे लेडीज फेस्टिवल, फ्लावर फेस्टिवल। ये लोग फेस्टिवल के साथ म्यूजिक के भी बड़े दीवाने होते हैं। यहाँ के गाँव में भी आपको हर जगह म्यूजिक सुनाई देगा। यहाँ पर अगर आप गाँव में भी चले जाए तो आपको म्यूजिक सुनाई देगा। यहाँ पर लोग अपना अलग फोक म्यूजिक तैयार करते हैं, जो कि हर वक्त यहाँ के गाँव में चलता रहता है। यहाँ के लोग पार्टी लवर्स भी होते हैं और खूब जमकर अपनी पार्टीज इंजॉय करते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि रोमानिया के लोग यूरोप में सबसे ज्यादा शराब पीने के लिहाज से 5वें नंबर पर हैं। ये लोग मेहमान नवाजी भी वाइन से ही करते हैं। क्या आप जानते हैं कि 2013 में रोमानिया के लोगों ने दुनिया का सबसे बड़ा झंडा बनाया था? इस झंडे का वजन 5 टन था और इसका साइज 349x227 मीटर। क्या आपको मालूम है कि रोमानिया में लोग अपने प्यारों की कब्रों को बहुत ज्यादा खूबसूरत और रंग बिरंगे फूलों और डिजाइन से सजाते हैं? हर एक कब्र को अलग अलग डिजाइन और रंग से सजाया जाता है। इन लोगों का ये मानना है कि ऐसा करने से इनकी रूहों को सुकून मिलता है। यही वजह है कि ये लोग कीमती पत्थरों और डिजाइन से इन कब्रों को आरास्ता करते हैं। क्या आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ब्राउन बियर रोमानिया में पाए जाते हैं? यहाँ पर ये 6000 से भी ज्यादा इकसाम के पाए जाते हैं। अगर इस मुल्क के ज़राए आमदोरफ्त की बात करें तो यहाँ पर 22,298 किलोमीटर वसी दुनिया का 5वां बड़ा रेलवे ट्रैक का नेटवर्क मौजूद है। मुल्क में 12 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मौजूद हैं और 10 से भी ज्यादा फजाई कंपनियां काम करती हैं। 4G टेक्नोलॉजी में ये मुल्क दुनिया का 4था बड़ा मुल्क है, जहां पर 4G की स्पीड दूसरे मुल्कों से भी ज्यादा है। यहां पर एवरेज स्पीड 35.61 मेगाबाइट पर सेकंड है। इस मुल्क का डोमेन नेम .ro और कॉलिंग कोड +40 है। इस मुल्क में ट्रैफिक राइट साइड है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि रोमानिया का कौमी फूल डॉग रोज है। क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट माइन म्यूजियम रोमानिया में ही पाया जाता है? ये हाथों और मशीनों से बनाया हुआ सबसे बड़ा म्यूजियम है। दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का बना हुआ चर्च रोमानिया को दूसरे यूरोपीय ममालिक से और भी ज्यादा मुमताज बना देती है। चर्च की ऊंचाई 257 फीट और मजीद इसके ऊपर 30 फीट लकड़ी का सलीबी निशान है। रोमानिया में पाया जाने वाला जंगल 217 एकड़ पर फैला हुआ जंगल है। इस जंगल के बारे में बहुत सी रवायात और कहानियाँ जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जो भी एक दफा इस जंगल में गया वो वापस कभी नहीं लौट कर आया, और अगर बिलफर्ज कोई वापस आ भी गया तो इसके जिस्म पर इस कदर खराशें थी कि वो बाद में बीमारियों का शिकार होकर मर गया। रोमानिया के लोगों ने साइंस में भी बेशुमार कारनामे सर अंजाम दिए हैं। शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन हो या ब्लड प्रेशर की तशखीस, इनकी खिदमात मेडिकल की तारीख में गिरा कदर है। नाजरीन, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।